हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पकौड़ी की कढ़ी। उसके लिए हमने 2 चम्मच बेसन ले लिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, हल्दी। अब इसके बाद हमने 3 खटाई ले लिया है। आज हम बहुत सिंपल तरीके से कढ़ी बनाएंगे। ये आम की जो खटाई बनती है, हमारे गांव में आम की खटाई बनती है, इसको हमने 10 मिनट पहले भिगो के रख दिया है। अब हमको इसमें क्या ऐड करना है, आपको 1/2 चम्मच गरम मसाला, हल्दी पाउडर, जितनी आपको हल्दी लेना है 1/2 चम्मच हल्दी लेना है, थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब इसको हम रख देंगे अच्छे से 10 मिनट तैयार करके रख देते हैं। दही, बहुत लोग हैं दही भी ऐड करके कढ़ी बनाते हैं, प्याज से भी पकौड़ी बनाते हैं, लेकिन हम बहुत सिंपल तरीके से कढ़ी बनाना आपको बताएंगे। पकौड़ी वाली आपको पसंद आएगी। खटाई ऐड कर रहे हैं। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भी सपोर्ट करें। अब इसका हम हल्का सा घोल बना के उसके बाद आपको दिखाते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमने इसको 10 मिनट पहले अच्छे से घोल बना के तैयार कर लिया था, देख लीजिए। मसाला भी हमने कड़ी पत्ता, मेथी, लहसुन भी देख लीजिए, हमने पेस्ट बना के रख लिया है। आपको मेथी खाना नहीं पसंद है तो आप जीरा भी ले सकते हो, हमको मेथी पसंद है इसलिए हमने मेथी रखा है। ये मिर्च हरी लाल दोनों हमने थोड़ा थोड़ा सा ले लिया है। आप मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो। लाल मिर्च आपको नहीं पसंद है, आप हरी मिर्च ले सकते हो। हमको थोड़ा तीखी पसंद है इसलिए हम थोड़ा तीखी कढ़ी बना रहे हैं। आप आज हमारे हाथ की कढ़ी खाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ऑयल रख दिए हैं, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। हमने सरसों का ऑयल लिया है, ये देखिए ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें हम छोटी छोटी सी पकौड़ी ऐड कर देंगे। ये देखिए, आपको तो छोटी छोटी लेना है। हम ऐड करके उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने पकौड़ी ऐड कर दिया है। अब इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन पकाएंगे। अब इसको हम, आपको बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना है। ये देखिए, पकौड़ी हमने बना के तैयार कर लिया है, देख लीजिए आप लोग। ये देखिए, हमने तेल, उसी तेल में हम मेथी ऐड कर देंगे। कड़ी पत्ता, हींग, ये देखिए कड़ी पत्ता, मेथी, हींग, लहसुन, मिर्च हमने सब ऐड कर दिया है। अब इसको हल्का से हम पकाएंगे। ये देखिए, हमने इसमें मसाला भी ऐड कर दिया है। मसाला को हमको लगभग 3 से 4 मिनट तक खूब पकाना है, क्योंकि मसाला जब खूब अच्छी तरह से पक जाता है तभी आपकी कढ़ी अच्छी बन के रेडी होती है, बहुत टेस्टी बनती है। आप एक बार हमारे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आपको पसंद आएगी। अब इसको हम लो फ्लेम पे खूब मसाला पकाएंगे। ये देखिए, हमने बड़ा 2 चम्मच
बेसन ले लिया है, ये हमारे चने का बेसन है। आप कढ़ी जब भी बनाइए, अगर आपको चने के बेसन की कढ़ी बनाना है तो आप चने के बेसन थोड़ा मतलब बेसन ज़्यादा रखना है, क्योंकि चने का बेसन जो होता है वो गाढ़ा नहीं होता और मटर का बेसन जो होता है वो गाढ़ा होगा। तो ये आपको हम बारीकी अपनी जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, जिसको नहीं मालूम है उसके लिए है। अगर आपका चना का बेसन है तो थोड़ा आपको ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि ये गाढ़ा नहीं होता है, मटर का बेसन जो रहता है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो अब इसका हम बैटर बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए आप लोग, पानी हम आपको डाले थे तो पहले दिखा दिए थे, अब देखिए पानी हमारा पूरा जल गया है, मसाला हमारा कुछ इतना बरस गया है। अब इसमें हम बेसन का बैटर बना के जो रखे हैं उसको ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है। अगर आपको खड़े मिर्च लहसुन नहीं पसंद है तो आप लहसुन मिर्च का पेस्ट भी बना के ऐड कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोग को नहीं पसंद रहता है, तो आप एकदम बारीक पीस के भी तो भी तड़के लगा सकते हो। और बहुत लोग खड़े मिर्च की भी तड़का देते हैं हरे, आपको जैसे पसंद है, अपना अपना तरीका होता है बनाने का। हम बहुत एकदम सिंपल तरीके से आपको बनाना बता रहे हैं। अब इसको हम हाई फ्लेम रखेंगे उबाल आने तक, उसके बाद इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे, आप लोग को उसके बाद दिखाते हैं। ये देखिए कढ़ी हमारी उबल रही है, अब इसको हम लो फ्लेम कर देंगे, खूब अच्छी तरह से पकाएंगे। हमको इसको बीच बीच में हम कई बार चेक कर लेंगे, उसके बाद आपको पक जाएगी तो उसके बाद लास्ट में आपको दिखाएंगे, नहीं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। नमक भी इसमें हमने ऐड कर दिया है, अब इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए पकौड़ी कढ़ी बनके रेडी है, देख लीजिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी, बहुत टेस्टी बनती है। एक बार आप लोग ज़रूर बनाइएगा, हमारे तरीके से पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भी सपोर्ट करें। आप लोग को हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए बहुत टेस्टी बनती है, आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा। गर्मा गर्म चावल रोटी या पूड़ी जिसके साथ आपको पसंद है, पकौड़ी कढ़ी खाइए। खटाई वाली हमने इसमें बहुत नॉर्मल चीज़ों से बनाया है, दही वगैरह कुछ ऐड नहीं किया है। आप अगर आपके पास खटाई नहीं है तो आप अमचूर भी ऐड कर सकते हो, जिसको खटाई पाउडर भी कहते हैं या अमचूर भी कहते हैं। बहुत नॉर्मल तरीके से बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है, आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा। पसंद आए कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भी सपोर्ट करें।